दर्शकों नमस्कार मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में सहायक आचार्य हूँ एन की ओर से आयोजित इस परिचर्चा सत्र में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज हमारे स्टूडियो में प्रख्यात शिक्षाविद व मैत्रेयी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी हैं मैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज जिस विषय पर डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी अपना विचार प्रस्तुत करेंगे वो विषय है बालिका शिक्षा की योजनाएं तो मैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी से ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी मूल बातों को बालिका शिक्षा की कौन कौन सी योजनाएं आज आ, हमारे शिक्षाई परिवेश में लागू हैं उन पर प्रकाश डालें सबसे पहले तो हम यह जान लें आज अपनी पिछली चर्चा में उन्होंने बालिका शिक्षा की स्थिति को जानने और समझने की कोशिश की थी अब वे तरीके जो चुनौतियां हैं हमारी कि क्यों भारत में बालिका शिक्षा उस स्तर पर या उस दर्जे को प्राप्त नहीं कर पा रही है जहां उसे पहुंचना चाहिए मेरी मुराद उस बालिका शिक्षा से है जो भारत के संदर्भ में शत प्रतिशत हो यानी कोई भी बच्ची कोई भी बालिका उससे बाहर न हो उस दायरे से बाहर न हो तो जो जो विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं विभिन्न स्तरों पर सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं विभिन्न स्तरों पर वास्तव में उन सब का योग रहा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में जो मुख्य बातें हैं बालिका शिक्षा की जो कठिनाइयां हैं कि ये ये योजनाएं आई आखिर क्यों क्या आवश्यकता थी इन योजनाओं को अतिरिक्त रूप से लाने की तो ये समझना समीचीन होगा कि बालिका शिक्षा के संदर्भ में जो कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ हैं उनको तीन रूप में देखा जा सकता है एक तो सामाजिक चुनौतियाँ हैं सामाजिक चुनौतियों का मतलब है कि समाज में किस तरह का आ, किस तरह की अवधारणा चल रही है लड़कियों को लेके किस तरह का मन समाज का है लड़कियों को देखने का किस तरह की आंखें हैं जिससे आप लड़कियों को देखते हैं या उनकी उनकी दुनिया को देखते हैं, हैं उनको समझते हैं इस आधार पर यदि कोई ऐसी छवि उभरती है जो बालिका शिक्षा में को प्राप्त करने में कठिनाई पैदा कर रही हो तो एक तो उससे निपटना होगा वो भी एक तरह की चुनौती है दूसरा मामला है आर्थिक चुनौतियों का क्योंकि आर्थिक रूप से भी वो परिवार जो संपन्न परिवारों की या खाते पीते परिवार की श्रेणी में नहीं आते हैं उनके पास जब विकल्प आता है कि दो में से कौन बेटा या बेटी पढ़ा मैं आ, किसी एक को ही सकता हूँ जैसे आ, आज किसी से चर्चा करते हुए आ, उन्होंने ये बहुत ही साफ तौर पर बताया कि आ, मैं तो एक ही संतान इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एक को पढ़ाने में इतना खर्च लगेगा तो मेरी तो हिम्मत ही, ही नहीं होगी कि मैं, मैं मुझे दूसरी संतान भी हो तो यह जो आर्थिक चुनौतियां हैं हमारे समय की जब शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है विशेष करके जब आप निजी विद्यालयों की तरफ जाते हैं और नगरीय चुनौती है ये नगरों की जो समस्या है उसमें ये आर्थिक है। अर्थिक है। अर्थिक नगरों में ज़्यादा है ज़्यादा है।, है तीसरी है कि वो जो संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं हालांकि इस पर विस्तार से बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में बात करते हुए बात की जा चुकी है लेकिन उसे यहाँ भी ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि एक तरह से जिन समस्याओं के बारे में हमने पहले चर्चा की है जो बालिका शिक्षा के मार, मार्ग के रोड़े हैं जो अड़चने हैं उन्हीं को दूर करने के लिए इस तरह की योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है ऐसी बालिका शिक्षा की जो योजनाएं बनी हैं या बनाई जाती हैं उनका कुछ फोकस उन... भी हो बिल्कुल बिल्कुल फोकस भी होता है और ये यदि फोकस नहीं होंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये योजनाएं सिर्फ बालिका शिक्षा के लिए बनाई गई हैं इसलिए इनका फोकस होना बहुत आवश्यक है और ये बालिका शिक्षा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए भी एक तरह से हैं तो इनका जो केंद्रक है या इनका जो फोकस है वो है नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन लाना कई बार ये भी होता है कि आपने ऐसी नीति ही बना दी कि जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है रोकती है तो ऐसी नीतियों में तो परिवर्तन करना पड़ेगा आपने बहुत सारी ऐसी जगहें हैं रही हैं नियुक्ति की जहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए ये लिखा भी जाता था ये पद सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित है सेना तो, में बहुत बहुत दिनों तक रहा है तक ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि ने। ने। ये पुरुषों के लिए ही है लेकिन अब वो बाधा टूट रही बिल्कुल अब अंग्रेजों के समय से एक पद है और वो सबसे छोटा मुलाजिम माना जाता रहा है जिसे गांव का चौकीदार कहते हैं और गांव के चौकीदार का पद विशुद्ध रूप से पुरुषों के लिए ही है और उस समय से लेकर आज तक आरक्षित है अब तो अब वहाँ भी नहीं बहुत कम हैं खत्म हो गया ये पद लेकिन आ, उसके बाद जो फोकस है वो है सहायक संरचनाओं का निर्माण करना स्कूलों को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्कूल के जो आ, की जो संरचनात्मक ढांचा है स्कूल का या कार्यालयों का कई स्थानों का यदि आप अवलोकन करें तो लगेगा कि स्त्रियों के लिए बालिकाओं के लिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं, नहीं हैं तो एक तो उनमें परिवर्तन करना ऐसी लड़कियां जो या ऐसी बच्चियां जो सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं पढ़ सकती उनमें वो सारी काबिलियत है वो सारे अवसर उनके पास हैं लेकिन वो उनका सदुपयोग इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसके माता पिता की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं, नहीं है कि वो उसे पढ़ने के लिए भेज सकें या वो भी इस चुनाव में फंसे हुए हैं कि या तो बेटे को पढ़ाएं या और ज्यादातर कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं लोग परिवार में बेटे को पढ़ा लेते हैं आर्थिक कमजोरी के कारण बेटी को नहीं पढ़ा पाते हाँ लेकिन अभी का ये जो और वो मंच पे स्वीकार भी करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई हाँ लेकिन अभी का जो एक नया चलन दिखाई दे रहा है नया नहीं कुछ वर्षों से चल रहा है दशकों से चल रहा है कि अब जहाँ निजी विद्यालय हैं वहाँ बेटे को निजी विद्यालयों में पढ़ाओ और बेटियों को सरकारी सरकारी विद्यालय तो सरकारी स्कूल चलिए बढ़िया है सरकारी स्कूल बुरे नहीं हैं हमारे सरकारी स्कूल अच्छे हैं कम से कम एक अभिभावक का इतना विश्वास तो हमारे विद्यालय पर है कि वह अपनी बेटी को वहाँ पढ़ने के लिए भेजने के लायक समझता है तो ये भी हमारी उपलब्धि है और हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए तो इसलिए हमारे जो सरकारी स्कूल हैं जिसके इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ हैं इस देश की उनमें तो निश्चित ही तौर पर इस तरह का माहौल और वातावरण बनाना चाहिए जहाँ ये ठहर सकें तो ये योजनाएं ऐसी बननी चाहिए स्कूलों को लेके जो इन बच्चियों को वहाँ ठहरने में मदद करें आर्थिक सहयोग का तात्पर्य कई तरह की छात्रवृत्तियों से भी हो सकता है विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि एक लड़की बहुत तेज है पढ़ने लिखने में जिसको हम लोग तेज कहते हैं तो बहुत तेज है पढ़ने लिखने में इसलिए उसको छात्रवृत्ति दे दी गई नहीं हो सकता है वो खेलने में बहुत बढ़िया हो संगीत वो संगीत में बहुत बढ़िया हो वो बहुत अच्छा अभिनय करती हो या उसके पास नवाचार के और भी कई साधन हैं लेकिन बल, हम मतलब हम लोगों ने छात्रवृत्तियों को आरक्षित कर दिया हाँ, है सिर्फ पढ़ने लिखने के संदर्भ में पढ़ने लिखने, 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 पढ़ने लिखने अब तो खेल कूद के लिए भी कुछ छात्रवृत्तियां मिल रही हैं <laughs> लेकिन इस स्तर पर जिसे हम स्कूली स्तर कहते हैं यहीं से उसे शुरू कर देनी चाहिए कि यहीं से उसके निर्माण की या उसके विकास की प्रक्रिया में ये छात्रवृत्तियाँ जो सरकार द्वारा दे हैं वो अधिक से अधिक मददगार सिद्ध हो सकें और प्रोत्साहन तो अब धीरे धीरे मैं साफ़ तौर पर तो ये नहीं कह सकता लेकिन मेरा जो मोटा अनुभव है उसमें धीरे धीरे स्कूलों में जो हम लोगों के बचपन में जिस तरह के कार्यक्रम होते थे अब उनमें लगातार कमी आती जा रही है ऐसे कार्यक्रमों का न होना एक तो प्रतिभाओं की पहचान करने के अवसर सिमट रहे हैं यदि आपके ने पूरे स्कूली कार्यक्रम में अब हिंदी में एकांकी पढ़ाना होता है हम क्या करते हैं एकांकी को भी वैसे ही पढ़ा देते हैं जैसे किसी कविता को पढ़ाते हैं जैसे किसी कहानी को पढ़ाते हैं तो बच्चों को जहाँ अवसर मिलना चाहिए था अभिनय करने का वो अवसर हमने दिया नहीं हमने छीन लिया छीन लिया उनसे तो ये जो अवसर था कि बच्चे अपनी अन्य प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते उसके उसको हमने रहने ही नहीं दिया तो जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है जिसको हम प्रोत्साहन कार्यक्रम कह रहे हैं कि ऐसे कार्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना जो प्रकारांतर से आगे चल के बच्चों को प्रोत्साहित करने का माध्यम बने तो ऐसे प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम स्कूलों में निश्चित तौर पर होनी चाहिए होनी चाहिए होते रहने चाहिए जिसमें हम बच्चों की विविध प्रतिभाओं को पहचान सकें ये तो किताबी ही भी पहचान पाएंगे तीन मासिक छह मासिक वार्षिक परीक्षाओं में और दूसरी क्या हम पहचान पाएंगे तो इन चीजों तो, को लेके जो योजनाएं हैं उनको हम तीन खंड में बांटते हैं कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जी 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 संदर्भ में इस पर भी प्रकाश तो वो जो तीन तरह की योजनाएं हैं जिसके बारे में हमको जानना समझना चाहिए आज अवसर कम है इसलिए हम एक तरह से फोकस होकर उन योजनाओं के बारे में जानेंगे जो पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं और जिनका प्रभाव दिख रहा है और हम अपने प्रशिक्षणों से चाहेंगे कि वे अपने राज्य में चलने वाली ऐसी योजनाओं के बारे में भी जानें और उसके बारे में तथ्य इकट्ठा करें तो ये तीन तरह की जो योजनाएं हैं बालिका शिक्षा को लेके एक तो राष्ट्रीय योजनाएं हैं जो पूरे देश में, में एक प्रारूप होता है और एक तरह से वो संचालित होती हैं दूसरी कुछ राज्य स्तरीय योजनाएं हैं और राज्य स्तरीय योजनाएं भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही रची गई क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां बालिका शिक्षा की दर मतलब महिला साक्षरता दर बहुत कम थी बहुत ही कम तो उन्हें अपने स्तर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है।, है तो बालिका शिक्षा को लेकर गैर सरकारी संस्थाओं का भी बहुत मतलब उनकी भी बहुत मजबूत उपस्थिति रही है छोटे छोटे स्थानों पर ही सही लेकिन इन गैर सरकारी संगठनों ने भी महिला सशक्तिकरण को और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत, बहुत कार्यक्रम संचालित किए हैं इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है जो जिस पर आज हम लोग यहाँ चर्चा कर करने वाले हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे संक्षेप में एन के नाम से जाना जाना जाता है दूसरा कार्यक्रम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और तीसरा अभी अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित किया गया बेटी बचाओ बेटी, बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ जो बहुत ही चर्चित बहुत चर्चित कार्यक्रम है।, है और बहुत काफ़ी प्रभाव, प्रभाव रहा है और सोची समझी रणनीति है इसकी और केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह एक नारा नहीं है बल्कि इसमें इसके अंदर बहुत ऐसी बातें हैं इस पूरी योजना में जो निश्चित तौर पर बेटियों के आगे कई योजनाओं को ये जोड़ती जैसे है जैसे शौचालय का अभियान है, है उसको भी, भी है, ये योजना जोड़ रही है और एक एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप है जो एक तरह की छात्रवृत्ति है तो इन्हीं तीन चार योजनाओं के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने प्रशिक्षुओं को आज की इस चर्चा में देना चाहेंगे तो इस क्रम में एन पी ई जी ई एल जी ये मुख्य रूप से क्या है और किस प्रकार की भूमिका ये अदा कर रहा है खासकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए इस पर मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ प्रकाश जी जी ये वास्तव में आपको याद होगा आप सबको कि इक्कीसवीं सदी के आरंभिक काल में ही यानी इक्कीसवीं सदी की शुरुआत ही एक तरह से शिक्षा अभियान के साथ होती है और शिक्षा अभियान में यह भारत सरकार ने यह तय किया कि अब वह प्रारंभिक शिक्षा को देखेगी हम सबको याद होगा कि इसके पहले जहाँ हमारी बीसवीं सदी खत्म होती है जिस योजना के साथ वह योजना विश्व बैंक समर्थित योजना थी जिसमें हम लोगों ने डी पी ई पी जिसके जिसको जानते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तो हम अपनी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते थे प्रकारांतर से हम यह भी यहाँ एक बार याद कर लें केवल कि आज़ादी के बाद हमने हमारी पहली चिंता विश्वविद्यालयों की थी इसलिए हमने विश्वविद्यालय बनाए थे विश्वविद्यालय आयोग बनाया था फिर हमारी चिंता माध्यमिक माध्यमिक की हुई इसलिए मुदालियर आयोग मुदालियर। ना? ना और पहली बार चौंसठ छियासठ के कोठारी आयोग में हमने संपूर्णता में शिक्षा को देखा तो कोठारी आयोग से ही बालिका शिक्षा पर हालाँकि सब ने चिंता जाहिर की है और राधाकृष्णन आयोग ने भी मुदालियर ने भी सबने चिंता जाहिर की और ये कहा कि इस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन बीसवीं सदी तक के अंत में हम डी पी पी में थे डी पी पी में भी के तीनों चरणों में जिन जिन राज्यों में यह कार्यक्रम चला उसमें बालिका शिक्षा आ, फोकस एक तरह से बिंदु रहा है किसी सदी में जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ तो ये देखा गया कि लड़कियों की शिक्षा को भी यदि हमको ठीक ठीक ढंग से लागू करना है तो यह ज़रूरी होगा कि उनके लिए कुछ अलग तरह की योजनाएँ या अलग तरह का कार्यक्रम बनाया जाए यह देखा गया कि बहुत सी लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं बीच में नामांकन हुआ और ड्रॉप आउट हो गई अधिक उम्र हो गई तो अब वो दोबारा जाना नहीं चाहती हैं अब वो आगे पढ़ना नहीं चाहती हैं कुछ ऐसी हैं जिनके जिनको आप जिस तरह की पढ़ाई लिखाई करा रहे थे उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है उन किताबी झमेलों में वो अपने आप को फंसा के रखना नहीं चाहती तो ऐसे में एन का जो पूरा ताना बाना बुना गया था ये बहुत ही सोचा सोची समझी एक तरह से योजना थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ऐसी सुविधाओं का निर्माण एवं प्रसार करना था जिसमें बालिकाओं की पहुंच एवं ठहराव विद्यालय में आसानी से हो सके जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं के की अधिक से अधिक सहभागिता हो इसी समय महिला समाख्या का हाँ, भी इसी समय और भी पी जी, जी और एल का कार्य तो विभिन्न राज्यों में जिन शिक्षा अभियान शिक्षा अभियान पूरे देश में चल रहा था लेकिन महिला समाख्या हर जगह नहीं थी तो जिन राज्यों में महिला समाख्या थी वहाँ एनपी का, का कार्यक्रम महिला समाख्या को दिया गया कि यह कार्यक्रम इनके माध्यम से ही संचालित किया जाएगा ताकि एक तरह से एक पूरा चक्र पूर्ण हो मतलब तो बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को जो हम एक साथ जोड़ सकें हाँ। एक साथ जहाँ नहीं था वहाँ इसी जो अभिकरण बने हुए थे विभिन्न राज्यों में अलग अलग, अलग अभिकरण बने हुए थे सर्व शिक्षा अभियान को बने हुए हैं बल्कि सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए तो उसमें एक जेंडर सेल बनाया गया और जेंडर सेल को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आपके माध्यम से एन पी कार्यक्रम चलेगा तो विभिन्न हस्तक्षेपों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये देखा गया कि शिक्षा में गुणवत्ता भी रहे मतलब ऐसी शिक्षा हम लड़कियों को बालिकाओं को न दे दें ब्रिज कोर्स के नाम पर था ना कि लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई हैं तो ऐसी लड़कियों का आपने चिन्हित किया और उनको एक तीन महीने या चार महीने का एक ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स करा के और कहा कि मुख्य धार में धारा में धारा में तो लेकिन यह ध्यान रखा गया कि यह ब्रिज कोर्स सच में ब्रिज कोर्स हो सेतु का काम करे उन सारे छूटे हुए ज्ञान के पक्ष को शामिल करे वो ब्रिज जी 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 और यह जो पूरा कार्यक्रम था एनपी का इसके जो इसका जो मुख्य फोकस था इस कार्यक्रम का वो था कि राष्ट्रीय राज्य एवं जिला स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में सक्षम संस्थाओं को सुदृढ़ करना जो संस्थाएं इसके लिए समर्पित हैं उनको और सशक्त बनाना ताकि जो चुनौती हमारी है बालिका शिक्षा की हम उसको उस चुनौती का हल निकाल सकें जेंडर संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण करना मतलब तो तो जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते थे उसमें अब तक ध्यान नहीं दिया जाता था कि भाई ये जेंडर या लिंगीय चेतना को ध्यान में रख के इसकी इसका सृजन या इसकी रचना या इसका विकास किया गया बिल्कुल क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु विभिन्न संस्थाओं से तारतम्य बिठाना स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय भाषाओं में सामग्री विकसित हो और जो भी ये ब्रिज ब्रिज कोर्स चलाएं इन बड़ी उम्र की बच्चियों के लिए इसमें तो एकदम ये ध्यान में रखा गया था कि स्थानीय भाषाओं में ही इस तरह की सामग्री सामग्री बनाई जाए शिक्षा तंत्र को महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु सहज एवं सुगम बनाना ये तो एक बड़ी चुनौती रही है जिसमें बड़ी भूमिका इन की थी माहौल बनाने किस तरह से महिलाओं का समूह कई जगह तो ये था कि वे महिलाएं जो स्वयं साक्षरता मिशन में जाकर शिक्षा ले रही थी वो बच्चियों को पढ़ने के लिए तैयार कर रही थी और स्कूल भेज रही थी ये बहुत ही बढ़िया मतलब बिम था एक पक्ष था उसका लिंग भेद को दूर करना भी मतलब ऐसा नहीं लगे कि इस कार्यक्रम से सिर्फ लड़कियों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है सिर्फ मतलब उन्हीं के बारे में सोचा जा रहा है ऐसा नहीं तो इतना मतलब यह स्वर बहुत तीव्र न न हो जिसमें दूसरे को ये लगे कि हमारे हक की तो कहीं ना कहीं से मतलब हमारा हक छीना जा रहा है तो इस पर भी ध्यान दिया गया प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने और ठहराव का एक बड़ा फोकस था इस कार्यक्रम का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बराबर से इशू रहा है यहाँ के कार्यों कार्यों में हमारे देश में हालांकि अभी सोचने वाला विषय है कि शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण हो तो शिक्षा फिर क्या हो इस पर तो हमारे शिक्षक सोचेंगे आगे आ, क्या गुणवत्ता विहीन शिक्षा की भी भी बात कर, हाँ, सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं इसलिए उस पर आगे हम लोग फिर कभी विचार करेंगे फिलहाल शिक्षक विचार करें तो जो अगला कार्यक्रम तो दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जी कस्तूरबा गांधी जी बालिका विद्यालय जी 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 ये लागू आ, ये भी चाहते हैं कि दर्शकों के लिए आप यहाँ ये भी तो दरअसल उसी समय की बात है जब हमारा सर्वशिक्षा अभियान शुरू हुआ था सर्वशिक्षा अभियान में जब हमने बातचीत शुरू की कि किस तरह से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण होगा और क्या क्या बाधाएँ हैं तो ये देखा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जा जाति अल्पसंख्यक समूह के का एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है और इसमें लड़कियों की संख्या बहुत है क्योंकि लड़कियां स्कूल जाना नहीं चाहती उनके कई कारण हैं रास्ते सुरक्षित नहीं हैं विद्यालय उनके अनुकूल नहीं है विद्यालय परिवार नहीं का शौचालय नहीं है, है विद्यालय का की सोच ठीक ठीक नहीं है तो ऐसे में इनका जो इनके लिए जो कार्यक्रम बनाया गया जो सोचा गया उस समय केंद्र सरकार द्वारा वह था केंद्रीय सरकार द्वारा सोचा हुआ जो प्रावधान था वो था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हालांकि ये आवासीय विद्यालय भी थे एक मामला ये था कि जनजातियों के संदर्भ में यह निष्कर्ष कई शोधों से निकला था कि उनको परेशानी होती है क्योंकि आने जाने की परेशानी है तो उन इनको तो आवासीय विद्यालयों में ही रखा जाना चाहिए तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तीन स्वरूप थे जब ये शुरू हुआ था एक तो किसी भी प्रारंभिक विद्यालय को अपग्रेड करना और उसमें वो सब सुविधाएं जोड़ देना जो उस स्कूल के लिए आवश्यक हों ये सौ बच्चियों के लिए था और ये वैसे ब्लॉक में बनाया जाना था भारत के जिसे शैक्षिक रूप से पिछड़ा ब्लॉक था जहां महिला साक्षरता दर तीस प्रतिशत से कम थी और ये गणना दो के की जन के जनगणना के आधार पर की गई थी ये सोचने वाली बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जी 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 वहाँ महिला शिक्षा 30 प्रतिशत से कम थी। कम थी और बहुत सारे ब्लॉक थे सैकड़ों ब्लॉक थे देश के और मतलब जहाँ इसकी आवश्यकता थी और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र जहाँ था वहाँ भी ये प्रावधान किया गया कि वहाँ भी ये समस्या थी कि लड़कियाँ जाके पढ़ नहीं पाती हैं इसलिए उन क्षेत्रों में भी ये आवासीय विद्यालय की तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का की अवधारणा एक तरह से है यह आठवीं तक है अब इसके भी अपने लिमिटेशन है अभी जो इसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है ये जो, जो प्राथमिक से प्रारंभिक की ओर जो हमारा एक झुकाव हुआ जी प्राथमिक शिक्षा से हम प्रारंभिक शिक्षा की ओर गए जी उसी आ, कदम में जी आ, उसी उसी के पहल में ये भी एक हाँ और लेकिन ये आर के पहले का पहल है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आर के आने के बाद ये पहल किया है ये आर के पहले का पहल है यानी सर्व शिक्षा अभियान के एजेंडा में तो वैसे भी प्रारंभिक शिक्षा ही थी एक से आठ तक की शिक्षा शामिल थी इसलिए इस तरह का काम आवश्यक भी था लेकिन इसके इसकी जो संरचना है वो बहुत ही अच्छी है अच्छी इस सेंस में है कि अब ये समाज द्वारा संचालित संस्था है कई राज्यों में इसे जो विद्यालय शिक्षा समितियां हैं वो चला रही हैं कुछ राज्यों में एन चला रहे हैं इसको बहुत कम राज्य हैं जहाँ एन जी इसको चला रहे हैं लेकिन ये जन सहभागिता से चलने वाला संस्थान है और आवासन की व्यवस्था यहाँ की गई है आवासीय होने का फ़ायदा ये होता है कि वे लड़कियाँ जो विभिन्न घरों से चल के यहाँ तक पहुँचती हैं एक तो उनके आपस का जो इंटरेक्शन है आपसी बातचीत है आपसी परिचय है वो बढ़ता है उनका दायरा बढ़ता है दूसरी बात यह है कि ये शिक्षा के अलावा और कई चीज़ें सीख जाती हैं जैसे एक तरह से आप शुरू करें तो भारत नेपाल की सीमा पर जो महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम है जहाँ कस्तूरबा एक शिक्षिका की तरह रही है वहाँ आश्रम के सड़क के इस तरफ गांधी जी का वो आश्रम है भितिहरवा में पश्चिमी चंपारण बिहार में और सड़क के उस तरफ हमारा वर्तमान जी और वर्तमान में हमारा वर्तमान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सड़क के उस तरफ और इस तरफ कस्तूरबा का वो आश्रम है जहाँ अब तो केवल उनकी चक्की रखी हुई है दर्शन के लिए जिससे कहा जाता है कि वो गेहूँ पीस कर आटा निकालती थी वहीं रहती थी लेकिन उनके नाम का जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी बना है वहाँ आप जाइएगा तो साफ साफ परिवर्तन दिखाई देगा कि एक तरफ उनकी चक्की और हमारे इस नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वहाँ की एक स्थानीय संस्था दीप द्वारा संचालित थी वहाँ अब आप शाम के समय जाएँ तो लड़कियाँ खेलते हुए और लाठी का खेल तो इतना बढ़िया बढ़िया खेलती हैं वो और ये सब थरुवट जनजाति की बच्चियाँ हैं थारू जो जनजाति है जिनका संबंध बुद्ध से है फिर से जी है उनकी बच्चियाँ हैं और वो उनकी दुनिया बिल्कुल बदली हुई दुनिया आपको लगेगी और आपको लगेगा कि जो उत्साह उनमें है जो पा लेने का हौसला है कि मेरे लिए तो अब कुछ भी पाना मुश्किल नहीं असंभव नहीं है वो पूरा माहौल पूरा वातावरण सीखने का वातावरण आपको दिखाई देता है जहाँ भी थोड़ी संजीदगी से संवेदनशीलता से इस केंद्र का संचालन किया गया है वहाँ बहुत ही बढ़िया प्रतिफल देखने को मिला है केवल एक जो सीमा है इस केंद्र की वो ये है कि आठवीं के बाद क्या मतलब आठवीं के तो आपने बाद आपने सारी उपलब्ध कराई आठवीं के बाद की कठिनाई है तो इस योजना को या तो थोड़ा और आगे ले जाने की आवश्यकता है हमें विचार करना चाहिए इस पर भी कि आठवीं तक ही अब ठीक है कि हम एक तरफ कहेंगे कि चौदह वर्ष तक ही की बच्ची को ही आर मिला है नहीं तो शिक्षा का मौलिक हक है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए जो एक गैप, गैप विस्तार हो पुरुष के शिक्षा और स्त्री के शिक्षा यदि उस गैप को पाटने की कोशिश करनी होगी तो हमें आठवीं के बाद भी सोचना पड़ेगा हाँ बिल्कुल सोचना पड़ेगा और ये योजना बहुत ही कारगर होगी उसके लिए बहुत ही कारगर जो अभी जो योजना चल रही है और तीन विभिन्न विभागों के मेल से महिला बाल विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास विभाग को लेकर बेटी बचाओ बेटी पड़ा, पढ़ाओ ये तीसरी बहुत हाँ अभी तो आप तमाम अखबारों में अपने आसपास रोज इसके समाचार देख सुन रहे होंगे पढ़ रहे होंगे क्योंकि एक बड़ी चुनौती जो अब राष्ट्र के सामने आई है जो देश के सामने आई है वो है महिला स्त्री पुरुष के लिंगानुपात का कम होते जाना स्त्रियों की या महिलाओं की या बच्चियों की संख्या का कम होना तो उसने ध्यान आकृष्ट किया कि भाई यदि हम एक तरफ कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण हो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महिलाएं वहीं ना हो बच्चियों का जन्म ही ना हो तो बच्चियां जन्मेंगी नहीं तो महिलाएं आएंगी कहाँ से औतों कैसे होंगी तो सशक्त कहाँ से होंगी तो ये तो बड़ा अच्छा है कि उनको चूंकि हमें सशक्त करना है सशक्त न करना पड़े तो वो रहे ही नहीं इसलिए ये जो लिंगानुपात लिंग अनुपात गड़बड़ हुआ है देश का एक तो मुख्य रूप से यह योजना उस पर फोकस करती है उसको केंद्र में रखती है और महिला सशक्तिकरण के और विभिन्न मुद्दों को ये एड्रेस करती है और महिलाओं के जीवन शैली को लेकर इसका जो ताना बना है इस पूरी योजना का कि बालिका को बेटी को केंद्र में रख के उसके विकास के जितने संभावित रास्ते हैं उन सबों को खोलने की कोशिश करना उसे वो सारे रास्ते दिखाना जिस पर वो चल सकती है या जिस पर चल के उस बच्ची का उस समावेशी समाज के लिए विकास हो सकता है जो समावेशी समाज कल का भारतीय समाज है और यह बच्ची जो कल उस समावेशी समाज का अहम हिस्सा होगी तो उसके विकास में इसकी भूमिका हम तय कर सकें या उसे उसके लायक बना सकें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है एक तरह से इसी सिद्धांत पर का काम कर रही है और मुझे लगता है कि इस योजना से बहुत लाभ इस देश की बच्चियों को ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी होगा और जो जिस तरह का माहौल बन रहा है हम अपने आसपास लगभग आप अखबार के किसी भी राज्य स्तरीय अखबार को उठा के देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रैली चार परिवर्तन है, में, कहीं ना कहीं में, हाँ चार परिवर्तन में निश्चित रूप से यह योजना कारगर से कारगर सिद्ध हुई अब राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं ने काम किया है जिसका प्रतिफल जिसका फायदा दिखाई देता है उसमें ये एक, एक योजना रेखांकन के लायक है वैसे तो कई राज्यों ने ऐसा काम किया होगा लेकिन बिहार ने एक पहल की थी साइकिल योजना की साइकिल योजना का जो अनुभव है हम लोगों का उसे देखने का क्योंकि मैं उस राज्य में रह के काम करता हूँ तो हम लोगों ने देखा है कि उन इलाकों से जहाँ से लड़कियाँ सोच भी नहीं सकती थी कि वो स्कूल जाएंगी और विशेष करके जब वो मिडिल स्कूलों में क्योंकि वहाँ तीन स्तरीय विद्यालय हैं प्राइमरी स्कूल हैं मिडिल स्कूल हैं हाई स्कूल हैं है। कॉलेज है तो ये लड़कियाँ प्राइमरी स्कूल के बाद अमूमन अब आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी प्राइमरी से मिडिल में जाना मिडिल से फिर हाई में जाना तो यह जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना थी उसने एक तरह से लड़कियों की शिक्षा में जैसे कहा जाता है कि उनके सपनों को उसने पंख लगाया पंख लगाया और उनके हाथों ने हैंडल के साथ और पाँव ने पैंडल के साथ जो मित्रता की तो फिर उनको हम स्कूल तक जाने से नहीं रोक सके अब आप जब किसी गांव की पगडंडी से वहाँ गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल ड्रेस में लड़कियों का झुंड पगडंडियों से, से जा रहा है तो पगडंडियों से है। और ये बड़ा कमाल है कि एक ऐसे ही एक आध बार मैंने जानने के लिए गिनती शुरू की तो देखा कि सात आठ दस लड़कियाँ जब निकल जाती हैं तब लड़के की कोई एक साइकिल गुजरती है इसके दूसरे भी कारण होंगे लेकिन वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि इस एक योजना ने लड़कियों को स्कूल में तक पहुँचा दिया अब स्कूल को हमें उस तरह से रचना होगा कि ये पहुँची हुई लड़कियाँ वहाँ ठहर सकें और कल के बेहतर भारत का निर्माण कर सकें ऐसी योजनाओं का लाभ वास्तव में यही होता भी है तो राज्य स्तर पर की गई और भी योजनाएं जो आपके राज्य में चल रही हों मेरा आग्रह तो यही होगा कि उन राज्य स्तरीय योजनाओं के बारे में भी हम तथ्यों को इकट्ठा करें उनके बारे में जाने और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास यदि ऐसा कुछ हो रहा है कुछ लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं तो वो जरूर जानना चाहिए वो जो वो जानने की उसे हम यदि नहीं जानेंगे तो आखिर कौन जानेगा कई राज्यों ने छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई हैं बिल्कुल 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 और बहुत सारे जगहों पे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चली एक आ, बालिका को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए चलाई गई जी, जी।, जी। और मुझे लगता है कि इन योजनाओं में हम सफलता भी मिली है जी। जी। मतलब ये कपोल कल्पित योजनाएं जैसी नहीं है कि हमने ऐसे ही बना दी और उसका कोई लाभ तो सफ़ेद हाथी नहीं है हाँ सफेद हाथी नहीं बिल्कुल ठीक बात जी तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी आपने बहुत ही विस्तार से बालिका शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया जो कि भितहरवा आश्रम के बगल में संचालित हो रहा है साथ ही आपने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी प्रधानमंत्री की योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला और कैसे ये सारी योजनाएं समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने और बेटियों को पढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित कर रही है इस पर आपने प्रकाश डाला हम अपने दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार नमस्कार